हेलो एवरीवन, आज मैं टीसीए 80% करने जा रही हूँ। बहुत लोगों की डिमांड थी कि मैं टीसीए अपने फेस पे करूँ। देख सकते हैं आप, मैंने टीसीए 80% लिया है जिसका प्राइस 1600 है। फेसबुक से ऑर्डर किया है मैंने। फिर आइस लिया है टूथ स्टिक। स्टार्ट करते हैं। मुझे इतने स्कार्स नहीं है, मैंने पहले भी बताया ओपन स्पोर्ट्स है। तो मैंने आपके लिए जो एक्चुअली डीप स्कार्स पे ही करना है ये पीसीए, मैं फिर भी आपके लिए मेरे जो छोटे स्कार्स हैं उसके लिए कर रही हूँ। इतना डीप नहीं है मुझे, पहले डीप थे अभी चले गए। मैंने बहुत सारा कोशिश किया उसके बाद में मेरे कम हुए, तो अभी मुझे उतने नहीं है, आपके लिए कर रही हूँ। देखो मुझे यहाँ पे पिंपल भी हुआ है। पिंपल का कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि मैं ट्रेटिनाइन यूज़ कर रही हूँ, तो उसका स्कार मुझे नहीं होने वाला। ट्रेटिनाइन का यही बेनिफिट है, अगर आपको पिंपल्स है तो आप ट्रेटिनाइन यूज़ करें तो आपको उसका स्कार नहीं आएगा। वो बहुत टाइम लेगा निकलने के लिए, लेकिन स्कार्स नहीं रहेगा यहाँ पे। ठीक नहीं, मैं एक्चुअली खुद से मुझे ठीक नहीं हो रहा, ठीक नहीं लगा पा रही मैं अपने आप से। तो उसके बाद मैंने अपनी बहन को बोला लगाने के लिए टीसीए। अब देख सकते हैं स्किन पे उतना ही नहीं है, मेरे स्कार्स नहीं है। ओपन पोर्स के लिए मैंने एक प्रोडक्ट पे ऑर्डर किया है, उसका भी आपको रिव्यू दूंगी मैं आने के बाद में। यहाँ पे देखिए, मेरी सिस्टर ने किया है मुझे टीसीए। टीसीए आप टीसीए करने के टाइम एक बात ध्यान में रख लीजिए, उसको ज़्यादा प्रेस नहीं करना चाहिए। जब आप अप्लाई करते हैं टीसीए, उसको प्रेस नहीं करना चाहिए ज़्यादा। 3 सेकेंड के लिए जस्ट होल्ड करना है और निकालना है स्टिक। आप ज़्यादा अगर उस पर प्रेशर डाल के करेंगे, ज़्यादा होल्ड करेंगे स्कार्स पे, तो आपका जो स्कार्स हैं वो और डीप होगा। तो इस बात का ध्यान रखिए कि आप उसको ज़्यादा ज़्यादा होल्ड ना करें अपने स्कार पे, उसको और गहरा मत करें। जितना है उतना ही लगे, और एक बार लगाने के बाद में और एक बार उसके ऊपर और एक बार अप्लाई मत कीजिए। इससे आपको निशान भी पड़ जाएगा, फिर उसके बाद में गहरा भी होगा आपका खड्डा। और इससे निशान पड़ते, अगर स्किन आपने खुद से रिमूव किया है तो आपके फेस पे फिर दाग रह जाएंगे। तो अपने आप से मत कीजिए, ये 10 दिन के बाद में ऑटोमेटिक निकल जाता है। मुझे टीसीए की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपके लिए मैंने लगाए। उसके बाद में ये सब होने के बाद में प्रोसेस आप आइस से सेक लीजिए, और वॉश नहीं करना है। वॉश मतलब जस्ट टैप 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 उतना ही करना है फेस क्लीन करने के लिए, वॉश नहीं करना है आपको। टीसीए मैंने कल रात में किया था, अभी ये मॉर्निंग का वीडियो किया है मैंने। देख सकते हैं आप, स्कार्स मुझे कुछ भी नहीं है, लाइट है। मैं पहले का वीडियो भी आपको यहाँ पे डाल दूँगी, सनलाइट में मुझे कितने स्कार्स दिख रहे थे, मैंने ओल्ड वीडियोस में भी डाला है। बिल्कुल भी स्कार्स नहीं है मुझे, जस्ट लाइट है। आपको डेली रेगुलर वेजलिन लगाना होगा ताकि ये दाग जल्दी स्किन जल्दी से निकल जाए। और आपको सन प्रोटेक्शन बिल्कुल भी ज़रूरी करना है, सनस्क्रीन लगाना है। और एक बात ध्यान रखिए, आप जब भी धूप में जाएंगे तो वाइट कलर का, लाइट कलर का दुपट्टा पहन के ही जाइए सनस्क्रीन लगाकर। थैंक यू। यहाँ पे मेरा वॉइस रिकॉर्ड नहीं हुआ ठीक से, तो मैं फिर से रिकॉर्ड करके डाल रही हूँ। मैंने अभी जस्ट ये वीडियो बनाया है, उस पर मैंने सनस्क्रीन यूज़ किया है। नाइट में मैंने टीसी लगाया था इसलिए सनस्क्रीन यूज़ नहीं किया। मॉर्निंग मैंने सनस्क्रीन अप्लाई किया है फेस पे, आप देख सकते हैं। और मैं इसमें बता रही हूँ कि 19 ईयर्स ओल्ड मुझे जो कमेंट करते हैं वो टीसीए ना करें, क्योंकि उनके लिए नहीं है, 25 अबव है उनके लिए है ये। और जो प्रॉपर कर सकते वही कीजिए, वरना मत कीजिए, क्योंकि प्रॉपर जो करता है उनको ही रिज़ल्ट मिलता है।
बाकी उनको फिर फेस ख़राब हो जाएगा। मुझे रिज़ल्ट मिला है इसलिए मैं वीडियो बना रही हूँ, आप देख सकते हैं। और बाकी मुझे सब्सक्राइब करें क्योंकि मैं और प्रोडक्ट यूज़ करके आप सबको हेल्प करूँ जिनके स्कार्स हैं। मेरा मेन रीज़न यही है कि मैं उनकी हेल्प करूँ जिन्हें स्कार्स हैं। इस वजह से जब मुझे रिज़ल्ट मिला तभी मैंने वीडियो बनाया है ताकि उन लोगों की हेल्प करूं। बाकी आपके जो क्वेश्चंस हैं आप कमेंट में मुझे पूछ सकते हैं। मैं अपनी फेस से बहुत खुश हूं क्योंकि मुझे स्कार्स बहुत ही अभी कम हो गए, इसलिए मैं बहुत खुश हूं, देख सकते हैं आप।